आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। मेरठ से इस वक्त हमारे पास है, छात्रों के दो गुटों में वहां पर जमकर मारपीट की खबर है। आईटीआई साकेत के सामने भिड़े हैं छात्रों के दो गुट, जमकर लाठी डंडे चले हैं इन दोनों गुटों के बीच में। मारपीट का वीडियो वायरल, सिविल लाइन थाना इलाके की घटना है। मेरठ से यह खबर, छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट। आईटीआई साकेत के सामने देखिए कैसे भिड़ गए दो गुट। सबसे पहली तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं मेरठ की। जमकर मारपीट हुई है छात्रों के इन दो गुटों के बीच में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें, मेरठ का ये फुटेज। बहुत देर तक सड़क पर मारपीट होती रही। बड़ी खबर और ये फुटेज सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर ही देख रहे हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए मेरठ से। बलराम, कारण क्या था इस मारपीट के पीछे? देखिए राजीव जी, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया है उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, और जो बताया जा रहा है वहां के आसपास के लोगों के हिसाब से, उनका कहना है कि यहां पर दो गुटों में पथराव हुआ है, उसके बाद लाठी डंडे चले हैं और काफी देर तक सड़क पर इस तरीके का हंगामा होता रहा। लेकिन जो आसपास से गुजरने वाले लोग थे, जो राहगीर थे, उनको काफी दिक्कतें हुई हैं। उसके बाद राहगीरों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जब आला अधिकारी वहां मौके पे पहुंचे हैं तो जो क्षेत्र के पुलिसकर्मी थे जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तब वो वहां पर पहुंचे हैं और आनंद फानंद में उन्होंने कार्रवाई की बात कही। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र जी, अभी एक प्रकरण आया था कि चौधरी चरण सिंह स्कूल के ठीक बाहर दो छात्रों के गुटों में फायरिंग हुई, एक छात्र को गोली लगी। उसके बाद ये दूसरा प्रकरण सामने आया है जो आईटीआई के ठीक सामने इस तरीके से छात्रों के दो गुटों में पथराव हुआ है। लेकिन अभी तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि आखिरकार ये दोनों गुट क्यों भिड़े हैं, क्यों ये पथराव हुआ है और काफी देर तक ये पथराव होता रहा है। और जो पुलिस, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वहां से 100 मीटर की दूरी पर जो पुलिस की पिकेट होती है वो तैनात होती है, जो पेट्रोलिंग होती है, जो पीसीआर होती है वो तैनात होती है, लेकिन ये पथराव होता रहा। जो आम जनता सड़क पर चल रही थी, जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि खुलेआम जो छात्र हैं दोनों गुट आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन ना उन्हें कोई रोकने वाला वहां पर मौजूद था, ना कोई देखने वाला। और जो आम जनता है उसको काफी तकलीफ हुई है। उसके बाद जो आम जनता, जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने 112 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद जब आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी हुई, उसके बाद जो वहां की क्षेत्रीय पुलिस थी वो आनंद फानंद में वहां पहुंची है। और अब उसका कहना है कि जो वहां पर सीसीटीवी फुटेज और जो वहां चश्मदीद है उससे बातचीत की जा रही है, उसके आधार पर जो आरोपी स्टूडेंट है उनकी तलाश की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये हंगामा क्यों हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम पांडे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।